Hey guys, my name is Subodh Rawat and welcome back to the channel. और आज हम बात करेंगे about knee health and how to keep your knees strong. अगर आप knee injury से recover कर रहे हैं या फिर आपको knee में discomfort या irritation होता है या otherwise भी आपको knee को strong करना है ताकि आप injuries को prevent कर सकें, then this video is definitely for you. This video inspired by Ben Patrick, who is also known as knees over toes guy on Instagram. तो कुछ टाइम पहले मैं भी नी पेन की वजह से स्ट्रगल कर रहा था. मुझे राइट लेग में इनसाइड ऑफ द नी में पेन हो रहा था, तो जिसकी वजह से मुझे स्क्वाट्स करते हुए बड़ी दिक्कत हो रही थी. सो मैंने क्या किया, आई रेस्टेड फॉर सम टाइम और मैंने डीप स्क्वाट्स अवॉइड किया फॉर सम टाइम एंड आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मोबिलिटी प्लान जो मैं अभी आपके साथ शेयर करूंगा. सबसे पहले अगर आप जिम में वर्कआउट करते हो या फिर आपके पास ट्रेडमिल का एक्सेस है घर पे या फिर कहीं भी, सो फिर आपको अपने वार्म अप में ऐड करना है रिवर्स वॉकिंग ट्रेडमिल को बंद करके. सो आपको ट्रेडमिल को स्टॉप कर देना है. ट्रेडमिल को बिना स्टार्ट किए आपको क्या करना है, आपको हिप्स अपने रेस्ट करने हैं ट्रेडमिल पे और आपको पुश इनिशिएट करना है. जो बेल्ट होती है ट्रेडमिल पे उससे पुश इनिशिएट करना है टो से. सो टो से आप इनिशिएट करोगे और आप फिर हील से खत्म करोगे. सो टो से पूरा पुश करना है और हील से खत्म करना है. ऐसे ऐसे करके आप रिवर्स वॉकिंग करोगे ट्रेडमिल पे. सो व्हाइल डूइंग दिस यू हैव टू फील योर शिन्स एंड योर काफ्स. सो उसके बाद लेट्स स्टार्ट द मेन नी स्ट्रेंथनिंग प्रोग्राम. तो सबसे पहले हम करेंगे टीबिया रेजेस. टीबिया होते हैं, हम बोलते हैं शिन को, तो यहाँ पे हम शिन मसल्स पे वर्क कर रहे हैं. तो उसके लिए आपको हिप अगेंस्ट द वॉल होगा आपका और आप दीवार से थोड़ा सा दूर जाएंगे आपके लेग्स और यहाँ पे क्या करना है, आपको आपके हील्स जो होते हैं वो रहेंगे नीचे और आपको टोज को ऊपर करना है. यहाँ पे मैं टोज ऊपर करूंगा और होल्ड करना है 2 सेकंड के लिए. जब आपने टोज पूरे ऊपर कर दिए हैं आपको फील करना है अपनी शिन मसल्स यहाँ पे होल्ड करके. उसके बाद स्लोली कम डाउन एंड अगेन ऊपर आना है और 2 सेकंड होल्ड. आपको यहाँ पे शिन्स फील करना है, आपको अपने टीबिया मसल्स फील करनी है और स्लो. अगर आपको टफ लग रहा है तो आप वॉल के क्लोज आ जाओगे. आप जितना क्लोज आ जाओगे वॉल के ये उतना इजी होगा. अगर आपको बहुत ज्यादा इजी लग रहा है, आपको टफ करना है, तो आप उतना ही दूर आ सकते हो वॉल के. तो मेक श्योर आप ऊपर 2 सेकंड होल्ड कर रहे हो और नीचे स्लो जा रहे हो और नी में कोई भी बेंड नहीं है. सेकेंड है FHL काफ रेज. इसके लिए हैंड्स अगेंस्ट द वॉल और अपने लेग्स को धीरे धीरे पीछे ले आना है. मेक श्योर कि आप हिप्स और नी में बेंड नहीं कर रहे हो, धीरे धीरे लेग्स पीछे ले आना है. जब आपको लगे कि आपके हील्स आर कमिंग स्लाइटली ऑफ द फ्लोर, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नहीं नीचे, स्लाइटली ऑफ द फ्लोर और आपको काफ्स में अच्छा स्ट्रेच फील हो रहा है, इस वाली पोजिशन को आपको होल्ड करना है और यहां से आपको करना है काफ रेजेस. पूरा ऊपर ऑन द टोज, अगेन 2 सेकंड होल्ड एंड देन स्लोली कम डाउन. जब आपको अगेन लगे कि पूरा नीचे आना है, जब लगे कि दोबारा काफ में अच्छा स्ट्रेच आ रहा है नीचे हील्स करने से, वहां पे होल्ड एंड अगेन कम अप 2 सेकंड होल्ड स्लोली गो डाउन. सो दिस इज FHL काफ रेज. अगर आपको ये टफ लग रहा है, अगेन आप डिस्टेंस बिटवीन वॉल एंड और योर लेग्स वो कम कर दोगे तो ईजी हो जाएगा. सो अगर मेरे को टफ लग रहा है तो मैं वैसे ही डिस्टेंस कम कर लूंगा. अगेन आई डू द सेम थिंग. सो बेसिकली इस मूवमेंट से हम काफ की मसल पे काम कर रहे हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम बिग टो एंड ऑल्सो ऑन एंकल मोबिलिटी. तो थर्ड स्टेप है टीबिया रेज. जो फर्स्ट हमने किया था टीबिया रेज उसको फिर से रिपीट करना है फॉर 20-25 रेप्स अगेन. सो द फोर्थ मूवमेंट इज नीज ओवर टोज काफ रेज. इसके लिए यू हैव टू स्टैंड 1 arm अवे फ्रॉम द वॉल. आप वॉल से 1 arm के डिस्टेंस पे खड़े हो गए यहां से और यहां से यू हैव टू मूव योर नीज फॉरवर्ड. अब नीज फॉरवर्ड मूव करा और उसके बाद आप आपको नीज से अलाइन करनी है अपनी बॉडी. सो मैंने एल्बोज भी बेंड कर दिए ताकि मेरी बॉडी, अपर बॉडी, मेरा टॉर्सो, मेरी नीज से लेकर मेरा पूरा शोल्डर ऑलमोस्ट पैरेलल है मेरे वॉल से. एंड नाउ यहां से आई हैव टू फ्लेक्स माय एंकल्स अप एंड स्लोली डाउन, अप एंड स्लोली डाउन. सो गाइस रिमेंबर यू हैव टू वर्क पेन फ्री. जब आप नीज को टोज से आगे ऐसे ले आते हो तो आपको पेन अगर हो रहा है या डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो आप बेंड थोड़ा कम कर दोगे और आप डू द सेम मूवमेंट. तो आप थोड़ा सा बेंड कम कर दो एंड डू द सेम मूवमेंट, दैट्स इट. सो मैं दिखाता हूं आपको कम बेंड के साथ. यहां पे मैं 1 arm अवे फ्रॉम द वॉल एंड नाउ आई एम बेंडिंग लेस. अब बॉडी आगे लाऊंगा मैं एंड डू द सेम थिंग. सो द फिफ्थ स्टेप इज द पैट्रिक स्टेप. सो बेसिकली जितना दूर आपके नीज मूव कर सकते हैं ओवर द टोज से उतना ही नीज आपके स्ट्रांग एंड प्रोटेक्टेड हैं. सो ये वाला स्टेप उसी पे वर्क करता है. सो इसे करने के लिए यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट. आप किसी चीज का सपोर्ट ले सकते हो. जिस साइड आपने सपोर्ट लिया है उस साइड आप वाले लेग को आप आगे धीरे धीरे मूव करोगे. तो करना क्या है, इस वाले लेग को आगे मूव कर रहा हूं और इस वाले लेग पे कोई भी नी में बेंड नहीं होगा. सो यहां पे मैं नी में बेंड नहीं होगा आगे ले आ रहा हूं और इस वाले नी को मैं बेंड कर रहा हूं और नी मेरा ओवर द टोज जा रहा है. जैसे मेरा हील आगे हल्का सा टच होगा उसके बाद आई हैव टू स्टैंड अप स्ट्रेट. अगेन आई विल स्लोली गो फॉरवर्ड और जैसे मेरा हील हल्का सा टच होगा होल्ड फॉर अ सेकंड
एंड कम अप स्ट्रेट। इसमें हम काम कर रहे हैं नी स्टेबिलिटी पे और एंकल की मोबिलिटी पे। बट अगेन गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पेन फ्री करना है सारे मूवमेंट्स। तो आपको करना क्या है, अगर आपको लग रहा है कि नी ओवर दी टोज जाते हुए आपको पेन हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ये वाला स्टेप मैं छोटा सा लूंगा, आई टेक ए स्मॉल स्टेप फॉरवर्ड, ये वाला मैं ज्यादा आगे नहीं ले आऊंगा इसको, क्योंकि जितना ज्यादा आगे इसको ले आऊंगा मैं उतना ही मेरा ये वाला नीज ओवर दी टोज जा रहा है, ज्यादा आगे जा रहा है। सो मैं हल्का से ले आऊंगा इन द बिगनिंग एंड स्टैंड अप स्ट्रेट, बहुत कम हल्का से ले आऊंगा स्टैंड अप स्ट्रेट। धीरे धीरे स्टेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, धीरे धीरे आपकी स्ट्रेंथ आएगी नी में, और उसके बाद आप देखोगे आप बहुत ज्यादा आगे ले आ पा रहे हो इसको। तो ऐसे ही हमें करना है, पहले 20 इससे 25 एक साइड में, उसके बाद आई स्विच दूसरे साइड में और मैं करूंगा 20-25 ऑन दिस साइड। अगर आप कंफर्टेबल हो, आपको सपोर्ट नहीं लेके भी आप लग रहा है कि स्टेबिलिटी सही है, आप धीरे धीरे आप देखोगे बिना सपोर्ट के भी आप कर सकते हो, तो आप बिना सपोर्ट के भी वाला मूवमेंट कर सकते हो। तो इन शॉर्ट, अगर आप इन मूवमेंट्स पे काम करोगे तो यू विल मेक योर एंकल, योर टीबिया मसल्स, योर काव्स एंड योर नीज स्ट्रॉन्गर। वेन एवर वी मूव एंड वर्कआउट, तो जो भी फोर्स है एंकल एंड सपोर्टिंग मसल्स नहीं अब्सॉर्ब कर पाती, वो डायरेक्टली नीज में जाता है। सो दिस प्रोग्राम विल मेक योर नीज एंड सपोर्टिंग मसल्स स्ट्रॉन्गर। तो स्टार्ट वर्किंग ऑन दिस मूवमेंट्स एंड लेट मी नो हाउ यू फील, बट प्लीज मेक श्योर ये मूवमेंट्स हमें पेन फ्री करना है। तो अकॉर्डिंगली हम रेप रेंज को रिड्यूस कर सकते हैं, हम रेंज ऑफ मोशन को रिड्यूस कर सकते हैं। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन पेन एंड बर्न, रिमेंबर दैट, बर्न इज गुड, पेन इज नॉट। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर नाउ। ये वीडियो बहुत टाइम बाद आई है बिकॉज ऑफ सम इश्यूज, बट नाउ आई ट्राई टू बी मोर कंसिस्टेंट। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, एंड एज ऑलवेज स्टे स्ट्रॉन्ग माइंड स्ट्रॉन्ग बॉडी, गुड बाय।